या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। दरअसल में नवरात्रा चल रहा है और कहा यह जाता है कि ईश्वर से बड़ा वीआईपी या वीवीआईपी कोई नहीं होता। हम इस वक्त मौजूद हैं नौलखा मंदिर में और नवल किशोर यादव जी 5 टर्म से MLC हैं और अभी बिहार विधान परिषद में NDA के उपनेता हैं। तो देखिए किस तरीके से वीआईपी व्यक्ति भी माँ के दरबार में मत्था टेकने आते हैं इस उम्मीद को लेकर के कि माँ उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करेगी। लगातार नवल जी अपने परिवार के साथ, अपनी पत्नी और अपने बेटे के साथ माँ के दरबार में मत्था टेक रहे हैं, पाठ कर रहे हैं और अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त हमारे लिए भी निकाल रहे हैं। नवल जी, माँ के दरबार में आए हैं, क्या कुछ मन्नतें मांग रहे हैं? मन्नतें मांगने का चीज नहीं है, वो तो स्वयं देती है। विराटतम से कोई शुद्रतम चीज मांगा नहीं जाता, उनकी कृपा हो तो कृपा ही विराट है, इसलिए मांगा हुआ चीज हमेशा शुद्र और समर्पित किया हुआ सारा भाव विराट, इसलिए समर्पित भाव से हमारी संस्कृति है और शक्ति की पूजा सब दिन होता रहा है आदिम काल से, तो शक्ति की पूजा परंपरागत हम लोग भी करते हैं। नवल जी, चूंकि आप भाजपा के नेता हैं, ऐसे भी ये कहा जाता है कि आप लोगों ने पेटेंट करवा रखा है कुछ भगवानों को, माथे पे तिलक भी है, अमूमन ये तिलक दुर्गा पूजा के पहले या बाद देखने को नहीं मिलता है? नहीं देखिए, दुर्गा पूजा ये पूजा है, पूजा में और आम दिन में तो फर्क मिलेगा, लेकिन कोई पार्टी और भाजपा का कोई पेटेंट नहीं है। भाजपा चूंकि अपनी संस्कृति के लिए, अपनी सभ्यता के लिए काम करती है, उसके लंबे विचारधारा से सैकड़ों वर्ष से उसको कैरी करते आ रहा है अपने संस्कृति के लिए, इसलिए आम आवाम को लगता है कि भाजपा इसको पेटेंट कराया हुआ। भाजपा पेटेंट नहीं कराया हुआ है, जो कभी कभी इस पर इसको दबाने का अगर कोई प्रयास करता है तो अपने संस्कृति को हम घींच के समाज में खड़ा करते हैं। नवल जी, एक बड़ा सवाल है, क्योंकि कुछ पॉलिटिकल सवाल भी लेना जरूरी है आपसे। जो देश के सबसे बड़े व्यक्ति हैं नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री हैं देश के, वो अमूमन दुर्गा पूजा के अवसर पर अपनी तस्वीर को सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं। भक्ति का तो ये रूप नहीं होता है ना? भक्ति का ये रूप तो नहीं है कि भाई आप पूजा कीजिए और उसको सोशल मीडिया पर पोस्ट कीजिए? नहीं, भक्ति का ये रूप, जब बड़े लोग कोई काम करते हैं तो आम आवाम में उसका मैसेज जाता है। कोई भी परंपरा ऊपर से नीचे की तरफ, पंडित जी हम लोगों को पूजा कराते हैं तब हम लोग पूजा करने के भाव से खाए, इसलिए जो बड़े हैं, जो आदरणीय हैं, जो विराट है, जो विराटतम जगहों पर है, उसी का मैसेज देश और दुनिया में जाता है। पूर्ण सवाल है, क्या क्या मनोकामनाएं पूरी हुई हैं? क्योंकि आप बता रहे थे कि जब आप कॉलेज लाइफ में थे तो किस तरीके से आपने यहाँ पर माँ की इस मूर्ति को स्थापित करवाया था। हमारी कोई बहुत अलग से मनोकामना रहा ही नहीं है। उन तारीखों में जब मैं विद्यार्थी था तो एक लगा, हम लोगों ने ये काम किया और मनोकामना तो हमेशा जो समाज में रहने वाला है समाज का ही मनोकामना रहता है। ठीक है, पूजा का क्या रूप है? हम तो कोई पुजेरी है नहीं, हम तो साल में ये दुर्गा पाठ होता है, एक बार माँ के चरणों में आते हैं, समर्पित भाव से जितना बनता है अपने आप को समर्पित करते हैं। बिहार के, चूंकि आप बिहार से बिलोंग करते हैं, तो प्रदेशवासी और देशवासियों के लिए क्या मन्नतें मांग रहे हैं माँ से? मांगते हैं, हे माँ, उन अज्ञानियों को जिनको ज्ञान नहीं है, जिनके आँख बंद हैं, उनके आँख में रोशनी दे दो, ताकि समाज में ये जो द्वेष फैल रहा है ये द्वेष मुक्त हो जाए और सब पर आपकी कृपा हो, सब पर आपकी रोशनी जाए, सब जगमग रहे और आपका यही विराटतम रूप कहता भी है, आपके सामने जो सर झुकाता है वो निश्चित रूप से आम जनों से ज़्यादा आप उस पर ध्यान देती हैं। मानते हैं कि भक्ति से भी ज़्यादा धर्म जो है वो मानव सेवा में है? देखिए, धर्म कोई अलग से कोई किताब नहीं है, भक्ति ही धर्म है। कहते हैं ज्ञानी छूट जाते हैं, भक्त आगे निकल जाते हैं। भक्त कहता है, हे माँ, मुझे कुछ नहीं आता, मैं तो तुम्हारे भक्ति में आ गया हूँ,
मैं ज्ञानी भी नहीं हूँ, मुझे पढ़ने भी नहीं आता, मुझे श्लोक भी नहीं लिखने आता, श्लोक पढ़ने भी नहीं आता है, लेकिन मैं तुम्हारे शरण में हूँ। निश्चित रूप से आपका शरण बड़ा चीज है। और ज्ञानी कहता है मैं तो ज्ञानी हूँ, मुझे सब कुछ आता है, इसलिए हम उस मंजिल को प्राप्त करेंगे। ज्ञानी छूट जाते हैं और इस भवसागर से जो आत्मसमर्पित होके जो काम करते हैं, जो भाव व्यक्त करते हैं, उनको मिलता है। नवल जी हैं, MLC हैं, विधान परिषद में उपनेता हैं। रामायण में लिखते हैं तुलसीदास कि प्रभु कहते हैं कि निर्मल जनमन सो मोहि पावा, मोहे कपटी छल छिद्र न भावा। लिहाजा निर्मल भाव से नवल जी प्रदेश और देशवासियों के लिए माँ से मन्नतें मांग रहे हैं कि आने वाले दिनों में देश और प्रदेश दोनों समृद्ध हो। पटना से कैमरा पर्सन प्रभात के साथ SK राजीव, समाचार प्लस। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही।